मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा नया भारत अब पुरानी अप्रोच के साथ चलने को तैयार नहीं है। खास तौर पर न्यू इंडिया की हमारी बहनें और माताएं तो आगे बढ़कर उन चुनौतियों को अपने हाथों में ले रही हैं जिनसे पूरे समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बिहार के पूर्णिया की कहानी देश भर के लोगों को प्रेरणा से भर देने वाली है। ये वो इलाका है जो दशकों से बाढ़ की त्रासदी से जूझता रहा है। ऐसे में यहाँ खेती और आय के अन्य संसाधनों को जुटाना बहुत मुश्किल रहा है। मगर इन्हीं परिस्थितियों में पूर्णिया की कुछ महिलाओं ने एक अलग रास्ता चुना। साथियों, पहले इस इलाके की महिलाएं शहतूत या मलबरी के पेड़ पर रेशम के कीड़ों से कोकून तैयार करती थी, जिसका उन्हें बहुत मामूली दाम मिलता था, जबकि उसे खरीदने वाले लोग इन्हीं कोकून से रेशम का धागा बनाकर मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन आज पूर्णिया की महिलाओं ने एक नई शुरुआत की और पूरी तस्वीर ही बदल करके रख दी। इन महिलाओं ने सरकार के सहयोग से मलबरी उत्पादन समूह बनाए। इसके बाद उन्होंने कोकून से रेशम के धागे तैयार किए और फिर उन धागों से खुद ही साड़ियां बनवाना भी शुरू कर दिया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि पहले जिस कोकून को बेचकर मामूली रकम मिलती थी, वहीं अब उससे बनी साड़ियां हजारों रुपयों में बिक रही हैं। आदर्श जीविका महिला मलबरी उत्पादन समूह की दीदियों ने जो कमाल की है, उसका असर अब कई गांवों में देखने को मिल रहा है। पूर्णिया के कई गांवों की किसान दीदियां अब न केवल साड़ियां तैयार करवा रही हैं, बल्कि बड़े मेलों में अपने स्टॉल लगाकर बेच भी रही हैं। एक उदाहरण कि आज की महिला नई शक्ति, नई सोच के साथ किस तरह नए लक्ष्यों को प्राप्त कर रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश की महिलाओं, हमारी बेटियों की उद्यमशीलता, उनका साहस हर किसी के लिए गर्व की बात है। अपने आसपास हमें अनेकों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि बेटियां किस तरह पुरानी बंदिशों को तोड़ रही हैं, नई ऊंचाई प्राप्त कर रही हैं। मैं आपके साथ 12 साल की बेटी काम्या कार्तिकेयन की उपलब्धि की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। काम्या ने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही माउंट एकोनकागुआ उसको फतेह करने का कारनामा कर दिखाया है। यह दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो लगभग 7,000 मीटर ऊंची है। हर भारतीय को ये बात छू जाएगी कि जब इस महीने की शुरुआत में काम्या ने चोटी को फतेह किया और सबसे पहले वहां हमारा तिरंगा फहराया। मुझे यह भी बताया गया है कि देश को गौरवान्वित करने वाली काम्या एक नए मिशन पर है, जिसका नाम है मिशन साहस। इसके तहत वो सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने में जुटी है। इस अभियान में उसे नॉर्थ और साउथ पोल्स पर स्की भी करना है। मैं काम्या को मिशन साहस के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। वैसे काम्या की उपलब्धि सभी को फिट रहने के लिए भी प्रेरित करती है। इतनी कम उम्र में काम्या जिस ऊंचाई पर पहुंची है, उसमें फिटनेस का भी बहुत बड़ा योगदान है। अ नेशन दैट इज फिट विल बी ए नेशन दैट इज हिट, यानी जो देश फिट है वह हमेशा हिट भी रहेगा। वैसे आने वाले महीनों तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत उपयुक्त है। भारत की जियोग्राफी ऐसी है जो हमारे देश में एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ढेरों अवसर प्रदान करती हैं। एक तरफ जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूर दूर तक फैला रेगिस्तान है। एक और जहां घने जंगलों का बसेरा है, तो वहीं दूसरी ओर समुद्र का
असीम विस्तार है। इसलिए मेरा आप सबसे विशेष आग्रह है कि आप भी अपनी पसंद की जगह, अपने रुचि की एक्टिविटी चुनें और अपने जीवन को एडवेंचर के साथ जरूर जोड़ें। जिंदगी में एडवेंचर तो होना ही चाहिए ना। वैसे साथियों, 12 साल की बेटी काम्या की सफलता के बाद आप जब 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा की सफलता की कहानी सुनेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। साथियों, अगर हम जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो पहली शर्त यही होती है कि हमारे भीतर का विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए। हमारी 105 वर्ष की भागीरथी अम्मा हमें यही प्रेरणा देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक भागीरथी अम्मा कौन है। भागीरथी अम्मा केरल के कोल्लम में रहती है। बहुत बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, छोटी उम्र में शादी के बाद पति को भी खो दिया, लेकिन भागीरथी अम्मा ने अपना हौसला नहीं खोया, अपना जज्बा नहीं खोया। 10 साल से कम उम्र में उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था। 105 साल की उम्र में उन्होंने फिर स्कूल शुरू किया, पढ़ाई शुरू की। इतनी उम्र होने के बावजूद भागीरथी अम्मा ने लेवल 4 की परीक्षा दी और बड़ी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करने लगी। उन्होंने परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। इतना ही नहीं, गणित में तो 100% अंक हासिल किए। अम्मा अब और आगे पढ़ना चाहती है, आगे की परीक्षाएं देना चाहती है। जाहिर है, भागीरथी अम्मा जैसे लोग इस देश की ताकत हैं, प्रेरणा की एक बहुत बड़ी स्रोत है। मैं आज विशेष रूप से भागीरथी अम्मा को प्रणाम करता हूं।